नमस्कार दोस्तों, प्रोटीन जहां बॉडी बनाने के लिए उपयोगी होता है, वही यह शरीर में ऊर्जा को भी बढ़ाता है तथा मांसपेशियां तथा हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही यह बालों को हेल्दी रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार होता है। तो प्रोटीन शरीर के लिए इतना आवश्यक होने के बावजूद बहुत से लोगों में प्रोटीन की कमी पाई जाती है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, उनको पोषक तत्वों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दोस्तों, कुछ लोगों की तो यह सोच रहती है कि हाई प्रोटीन तो केवल मीट, मछली व अंडे में ही होता है, लेकिन दोस्तों वेजिटेरियन फूड में भी ऐसे फूड होते हैं जिनमें अंडों व चिकन से भी अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 10 हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड के बारे में जानेंगे जो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी को तो पूरा करेंगे ही, साथ ही अन्य पोषक तत्वों की कमी को भी पूरा करेंगे। तो दोस्तों, पहले हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है राजमा। राजमा में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। यह स्वाद में जितना अच्छा होता है उतना ही सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा राजमा में भरपूर मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कॉपर, फोलेट, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। राजमा में पाए जाने वाले फाइबर से पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। यदि आपको हड्डियों में दर्द होता है या अन्य किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप सप्ताह में 2-3 बार राजमा का सेवन करें, क्योंकि राजमा में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा राजमा में पाए जाने वाला आयरन शरीर को ऊर्जावान बनाता है। इससे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे आप दिन भर ऊर्जावान रहते हैं। राजमा में पाए जाने वाला प्रोटीन सेल्स का प्रोडक्शन करता है, जिससे हमारी मसल्स मांस बढ़कर बॉडी बनती है। इसी प्रकार दोस्तों, हम दूसरे हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। सोयाबीन हमारी शारीरिक दुर्बलता तो दूर करता ही है, साथ ही यह हमारी त्वचा और बालों से संबंधित कई प्रॉब्लम को भी दूर करता है। अधिकतर बॉडी बिल्डर अपनी बॉडी बनाने के लिए सोयाबीन का सेवन करते हैं। यह शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है, जिससे बॉडी बनती है। इसके अलावा सोयाबीन मेटाबॉलिज्म को भी दुरुस्त रखता है। सोयाबीन में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत बनती है। सोयाबीन का सेवन करने के लिए आप इन्हें रात में भिगोकर सुबह सेवन कर सकते हैं, या फिर आप सोया मिल्क या सोया कर्ड का भी सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हम तीसरे हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है दही। दही में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, विटामिन्स भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूध और दही की तुलना करें तो दूध के अपेक्षा दही हमारी सेहत के लिए अधिक फायदा करता है। दही में दूध की अपेक्षा अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अलावा दही में प्रोटीन के अलावा लैक्टोज, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है। दही में मौजूद कैल्शियम दांतों व हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा दही पाचन शक्ति भी बढ़ाता है, जिससे हमें खुलकर भूख लगती है। दोस्तों, इसी प्रकार हम चौथे हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है काले चने। काले चनों में प्रोटीन तो पर्याप्त मात्रा में पाया ही जाता है। इसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन एवं विटामिन्स भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यदि आप काले चनों को रात में भिगोकर सुबह सेवन करते हैं तो आपको प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहता है। यदि आप भिगोए हुए काले चनों का सेवन करते हैं तो इससे आपको फाइबर भरपूर मात्रा में मिलेगा, जिससे यह आपके शरीर से
हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर कर देगा, जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा। इसके अलावा काले चने आपके बालों व त्वचा के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, इसी प्रकार हम पांचवे हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है पीनट बटर, अर्थात मूंगफली का मक्खन। दोस्तों, अधिकतर बॉडी बिल्डर बॉडी बनाने के लिए पीनट बटर का सेवन करते हैं। इसमें भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फाइबर, विटामिन B3, विटामिन B6, फोलेट, मैग्नीशियम, मैग्नीज और कॉपर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पीनट बटर में आयरन, जिंक, पोटेशियम, सेलेनियम, विटामिन B5 भी पाया जाता है। इसके अलावा पीनट बटर में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। पीनट बटर का सेवन आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। यदि आपको दिन में किसी समय भूख लगती है तब भी आप पीनट बटर का सेवन कर सकते हैं। यह आपके पेट को तो भरेगा ही, साथ ही आपके शरीर को पोषण भी देगा। इसका सेवन आप 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड पर इसके 2 छोटे चम्मच पीनट बटर लगाकर कर सकते हैं, या इसे आप बनाना शेक में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार छठे हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है पनीर। पनीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो दांतों व हड्डियों को मजबूत करता है। दोस्तों, इसी प्रकार सातवें हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है ड्राई फ्रूट्स या नट्स, जिसमें काजू, बादाम, मूंगफली आदि आते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स या नट्स को आप रात में भिगोकर सुबह खाली पेट सेवन करें, यह आपके सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह आपको दिन भर ऊर्जावान रखते हैं तथा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार आठवें हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है ब्रोकली और फूल गोभी। दोस्तों, इनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा ब्रोकली और फूल गोभी में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, सोडियम, जस्ता जैसे महत्वपूर्ण तत्व भी होते हैं। यह हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं व हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार नौवे हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है ओट्स। ओट्स में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन, मिनरल्स एवं फाइटोकेमिकल्स भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ओट्स शरीर को पोषण तो देता ही है, साथ ही यह हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रखता है। इसके अलावा यह त्वचा व बालों में भी निखार लाता है। इसी प्रकार दसवें हाई प्रोटीन फूड की बात करें तो वह है हरे मटर। हरे मटर में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा हरे मटर में आयरन, जिंक, मैग्नीज एवं कॉपर भी पाया जाता है। ये तत्व शरीर को अनेक बीमारियों से दूर रखते हैं। इसके साथ ही हरे मटर में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो यह हो गए 10 वेजिटेरियन हाई प्रोटीन फूड। दोस्तों, यदि आप अपनी बॉडी बनाने के अलावा अपनी लंबाई भी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है व क्या खाना है, उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।